दुनिया कैसे अजीबोगरीब पेड़ जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में काफी महत्व होता है। इनकी मदद से हमें हवा, बरसात और खाना मिलता है। वातावरण को साफ रखने में भी इनकी काफी भूमिका होती है। दुनिया में कई प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, जो आकार में खूबसूरती के हिसाब से एक दूसरे से काफी अलग है। कुछ काफी खूबसूरत है तो कुछ काफी विचित्र है। वहीं कुछ पेड़ों के भीतर कई विशेष प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। आप में से कई लोगों का पेड़ पौधों के साथ लगाव रहता होगा। उनके फलों और फूलों को हर कोई पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई पेड़ मौजूद है जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। ये पेड़ इतने विचित्र और अनोखे हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। इन पेड़ों को देखने के लिए देश दुनिया से कई लोग यहाँ पर आते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले पेड़ का नाम है ब्लडवुड ट्री। दोस्तों, कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। अक्सर हम इस बात को अनदेखी कर देते हैं। किसी पेड़ को काटने पर खून निकलने लगे तो आप निश्चित ही डर जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा पेड़ मौजूद है। इस पेड़ की प्रसिद्धि का कारण इसके अंदर निकलने वाला लाल खून है। इन पेड़ों को जब भी काटा जाता है तो इनके अंदर से खून निकलने लगता है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अगर इस पेड़ की डाली टूट जाए तो उसके पेट से खून निकलने लगता है। इस पेड़ की यही खासियत है जो कि इसे बाकी सभी पेड़ों से अलग बनाती है। जब भी इस पेड़ की शाखा या तने को काटा जाता है तो इसमें गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ बहने लगता है। यह तरल पदार्थ खून जैसा लगता है, जो कि लगभग किसी जानवर के कटे अंग से बहने वाले अंग का आभास देता है। नंबर 2, सिल्क कॉटन ट्री, कंबोडिया। ये विचित्र पेड़ सिम रिम प्रवेसिंग कंबोडिया में पाया जाता है। सिल्क कॉटन ट्री के भीतर कई विशेषताएं होती है। इस पेड़ की अनगिनत जड़े आसपास मौजूद सभी वस्तुओं को अपने गिरफ्त में ले लेती। इस पेड़ की गिनती दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पेड़ों में की जाती है। कंबोडिया में अंगकोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जंगली क्षेत्र सिल्क कॉटन वृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि ये वृक्ष बनियान ट्री की एक प्रजाति है। इस अकेले वृक्ष ने मंदिर को चारों ओर से घेर रखा है और ये मंदिर के गुंबद से कई गुना ऊंचा है। कहा जाता है कि इस वृक्ष की उम्र 500 सालों से अधिक है। नंबर 3, बाओबाब ट्री। अफ्रीका के मेडास्कर में बाओबाब के अनोखे पेड़ देखने को मिलते हैं। इन पेड़ों को हिंदी में वोराक्षी कहा जाता है। 30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष की खासियत ये है कि ये उल्टा दिखता है। जब इस पेड़ को देखते हैं तो आभास होता है कि मानो पेड़ की जड़ें ऊपर है और तना नीचे। इसे भी कुदरत का करिश्मा कहा जा सकता है। ये पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो इसके तने में हजारों लीटर शुद्ध पानी भरा रहता है। ये पानी वर्षा के अभाव वाले इलाकों में महीनों तक पीने के काम में आता है। इस वृक्ष की छाल में 40% तक नमी होती है, इसी वजह से ये जलने के काम नहीं आती, परंतु तने के भीतरी रेशेदार होते हैं, जिससे कागज, कपड़े, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल, कंबल आदि वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। चमत्कारी बरगद। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में मौजूद ये चमत्कारी बरगद, इसकी खासियत ये है कि इस पर अलग अलग तरह के कई जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई है। लोगों को मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है, लेकिन वाकई में ये कुदरत का एक बेजोड़ करिश्मा है। इस वृक्ष को जिसने भी देखा वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस वृक्ष पर सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और शेर जैसे खतरनाक जानवरों के दृश्य ऐसे दिखते हैं मानो साक्षात किसी को घूर रहे हो, सामने वालों को निगल जाने की फिराक में हो। इस रहस्यमय पेड़ के बारे में कई तरह की तमाम बातें कही जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है। उनका मानना है कि ये कोई चमत्कारी बरगद नहीं है, बल्कि ये एक अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता पेड़ है। दोस्तों, अगर ये आकृतियां प्राकृतिक है तो ये पूरे संसार में इकलौता ऐसा बरगद का पेड़ होगा। नीलगिरी, रेनबो ट्री। नीलगिरी के पेड़ दुनिया के अनोखे और खूबसूरत पेड़ों में से एक है। ये पेड़ समय के साथ विभिन्न रंगों में बदलता रहता है, जैसे नीला, बैंगनी, नारंगी, मैरून इत्यादि रंगों में। इस पेड़ को रेनबो ट्री भी कहा जाता है। नीलगिरी के पेड़ अपनी सुगंधित पत्तियों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पेड़ अपने आसपास हमेशा सुगंध बिखेरते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसके ताजे पत्तों को खा ले तो आपकी मौत भी हो सकती है। नीलगिरी के पत्तों में एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है। इस तेल का इस्तेमाल कीटनाशक दवाइयों में किया जाता है। ये तेल अत्यंत ज्वलनशील होता है। इन पेड़ों का इस्तेमाल सफेद कागज बनाने में किया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 250 फीट की होती है। नीलगिरी के पेड़ फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इंद्रधनुष की तरह दिखने वाले इस नीलगिरी के पेड़ को जिसने भी देखा वो इस तरह की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। पोलैंड में चीड़ के पेड़। पोलैंड में ग्रेफाइनों के जंगल काफी रोचक है। ग्रेफाइनों के जंगल में लगभग 400 चीड़ के पेड़ हैं, जो 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। काफी रोचक और रहस्यमय बात यह है कि आखिर ये सभी पेड़ उत्तर की तरफ ही क्यों मुड़े हुए हैं। यह पेड़ अपनी अद्भुत आकृति के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। ग्रेफाइनों के जंगल को क्रूड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन पेड़ों को 1930 में लगवाया गया था। इन पेड़ों को
घुमाव दार आकृति में मनुष्य द्वारा आखिर किस उद्देश्य से लगाया गया था, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस जंगल के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पेड़ मुड़े हुए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी पेड़ परिग्रहण के कारण मुड़े हुए, लेकिन असल बात क्या है ये किसी को पता नहीं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब पेड़ जिन्हें देखने के लिए विश्व भर से लोग देखने के लिए आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।